नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टिप्स ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C33 मोबाइल में सेफ फोल्डर को हाइड कैसे किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिस सेफ फोल्डर में आपने फोटो और वीडियो को हाइड किया है उसी सेफ फोल्डर को आप कैसे हाइड करोगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि सेफ फोल्डर में फोटो और वीडियो को हाइड कैसे किया जाता है तो दोस्तों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे आपको ये बताऊंगा कि सेफ फोल्डर को हाइड कैसे किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सेफ फोल्डर में फोटो वीडियो को हाइड करके आप अपने सेफ फोल्डर को भी हाइड कर सकते हो, यानी कि आप अपने प्राइवेसी को और भी तगड़ा प्राइवेसी बना सकते हो। तो दोस्तों सेफ फोल्डर को हाइड करने के लिए आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है फाइल्स एप्लीकेशन, उसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको सेफ फोल्डर, ये वाला सेफ फोल्डर दिखेगा, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट दिखेगा, तो थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हाइड सेफ फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। ये दोस्तों सेफ फोल्डर पे इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये सेफ फोल्डर हाइड हो जाएगा। अब दोस्तों आपके मोबाइल कोई भी लेगा और फाइल्स में जाएगा तो यहाँ पे आपका सेफ फोल्डर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका वो जो आपने प्राइवेसी पासवर्ड बनाया या आप फोटो वीडियो हाइड किया उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपके मोबाइल में सेफ फोल्डर है ही नहीं, तो आप कहाँ से हाइड करोगे। अब दोस्तों ये तो रही बात हाइड करने की। अब दोस्तों अगर आपका मन हुआ सेफ फोल्डर में जो आपने हाइड किया उसको देखने का, तो देखेंगे कैसे, तो आप इसके लिए आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद शो सेफ फोल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेफ फोल्डर फिर से शो हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आपने जो भी हाइड किया उसको यहाँ से देख भी सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप रियलमी C33 मोबाइल में सेफ फोल्डर को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।